एक बार की बात है, भगवान शंकर और पार्वती संसार का भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। भ्रमण करते 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 जब आगे बढ़े तो एक स्थान आया। माँ पार्वती अचानक कहती है कि भोलेनाथ, मुझे तो भगवत कथा सुनना है। भोलेनाथ ने कहा, देवी जी बात तो बड़ी अच्छी कही है, कथा सुनना है, लेकिन कथा बड़ी गोपनीय है, सुनाओ। सुना तो दूंगा, किसी से कहना मत। पार्वती जी कहती, हम किससे कहेंगे, आप तो बस सुनाओ। भोलेनाथ पार्वती जी को एक गुफा में ले गए। गुफा में स्वयं पद्मासन लगा करके उच्च आसन पर बैठे, सामने पार्वती जी को बिठाया। भगवान शंकर ने कथा कहना प्रारंभ किया। थोड़े देर तक तो पार्वती जी ने कथा बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको नींद आ गई और सो गए। और कथा के पहले दिन अक्सर ये होता है, देखा जाता है कि लोग थोड़ा सा या तो थकान के कारण सो जाते हैं या पहले दिन कथा में उतना रस नहीं होता इसलिए सो जाते हैं, पर सोना नहीं चाहिए। अब पार्वती मैया तो सो, उसी गुफा में एक तोता बैठ के कथा सुन रहा था। अब तोते ने सोचा, बताओ पार्वती जी तो सो गई हैं, हुंका कौन देगा। हुंका का मतलब होता है हुहा, कौन करेगा। तो तोते ने हुहा करना प्रारंभ कर दिया। अब जब कथा पूर्ण हुई, भगवान शंकर कथा कहते कहते इतने भाग में डूब गए थे कि आंखें बंद कर ली थी, नेत्र बंद करके कथा कह रहे थे, इसलिए पता भी नहीं चला कि पार्वती सो गई। लेकिन जब कथा पूर्ण हुई, नेत्र खोले तो देखा पार्वती तो सो चुकी थी। फिर भगवान शंकर विचार करते हैं कि जब पार्वती सो चुकी हैं तो हुंका कौन दे रहा था, हुहा कौन कर रहा था। उसी समय भगवान ने अपने नेत्र चारों तरफ घुमाए तो डर के कारण एक तोता उड़ करके वहां से भागा। भगवान शंकर ने तुरंत अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि तोते को मारो। तोता आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे। प्रातः काल का समय था, सुबह सुबह का समय। वेद व्यास जी की पत्नी आश्रम के बाहर खड़े होकर के जमाई ले रहे थे। जमाई में मुंह खुला रहता है। तोता वायु के रूप में बड़े वेग से मुख में प्रवेश कर गया और पेट में समा गया। अब त्रिशूल खड़ा है, सोच रहा है क्या किया जाए। इन्हें मारता हूं तो दो लोग मर जाएंगे और महादेव की आज्ञा है एक को मारना है। खड़े खड़े बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आया और जैसे ही लौटने लगा तो इतने में भगवान शंकर खुद आ गए। उन्होंने भी इंतजार किया लेकिन तोता पेट से बाहर नहीं आया। और इंतजार करते करते 12 वर्ष बीत गए लेकिन तोता पेट से बाहर नहीं आया। अंत में जब वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पीड़ा हुई तब वेद व्यास जी भगवान शंकर से निवेदन करते कि प्रभु अब कुछ कीजिए आप। तब भगवान शंकर ने वचन दिया है कि तुम पेट से बाहर आओ, मैं नहीं मारूंगा। तब वह तोता पेट से बाहर आया है, भीतर गया था एक किरण के, एक पक्षी के, एक तोते के रूप में। लेकिन ये कथा का प्रभाव कहें या प्रभु की कृपा कहें, जो पक्षी के रूप में भीतर गया था वो बाहर आया एक मनुष्य के रूप में, जिनका नाम रखा गया श्री शुकदेव जी महाराज। तो बोलिए शुकदेव जी महाराज की। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।